कितने लोगों ने स्कूल में जब आप छोटे थे तो आपने दौड़ लगाई है, रेस? कितने लोगों ने रेस लगाई? ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा कितने लोग जीते, लेकिन कितने जीते आप? फर्स्ट आई थी? ओके, आप भी फर्स्ट आए थे? अगर आज आपकी रेस लगाएं तो आज की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हम जब रेस लगाते हैं तो क्या, और रेस लगाने के टाइम पे पूरी हम तैयारी करते हैं ना, अच्छे बढ़िया टाइट कपड़े पहनेंगे, जूते पहनेंगे, पूरा यू नो, बहुत सारे 5 किलो चावल खा के तो दौड़ नहीं सकते, करेक्ट? अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे और हम दौड़ के लिए पूरे रेडी हो जाएंगे, हाँ कि नहीं? फिर आप दौड़ को अच्छे से दौड़ना शुरू करो और आप दौड़ने लगे, अच्छे से दौड़ने लगे, पर आपने दौड़ को ख़त्म नहीं किया तो उसका फ़ायदा हुआ? इनाम नहीं मिलेगा वो छोड़ दो, पर आपने क्या काम किया? आपने दौड़ना शुरू किया, फिर आप बीच में भटक गए, कहीं और जाके बैठ गए, कहीं और पहुंच गए। क्या दौड़ को केवल शुरू करना जरूरी है या दौड़ को खत्म करना भी जरूरी है? बोलिए, दौड़ को जितना जरूरी है दौड़ को शुरू करना, उतना ही जरूरी है दौड़ को खत्म करना। मेरे ससुर जी एक बात बहुत बोलते हैं और वो ये बोलते हैं कि इंसान दो चीज देखता, तुमने शुरू कैसे किया, तुमने अंत कैसे किया। बीच का लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्या देखते हैं? शुरू कैसे किया और तुमने अंत कैसे किया। मसीही जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, हम सब के साथ ऐसा होता है, हम में से कोई भी इतना मजबूत नहीं है कि कभी भटक नहीं सकता। हम अच्छा दौड़ना शुरू तो करते हैं, बट क्या हम अच्छा खत्म करते हैं? हम अपने मसीही जीवन को अच्छे से शुरू तो कर लेते हैं, बट आपके मरते दम पे फर्क पड़ेगा इस बात का कि क्या आप प्रभु में थे या नहीं थे, क्या आपने अपने जीवन मसीही जीवन को पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया। आप सब इस बात को मेरे साथ जरूर मानेंगे, अग्री करेंगे आप कि मसीही जीवन को शुरू करना नहीं, मसीही जीवन को अच्छे से खत्म करना भी हमारा लक्ष्य है। जैसे पौलुस कहता है बाइबल में, पौलुस बहुत बड़ा प्रभु का सेवक है, अब वो बुजुर्ग हो चुका है, उसको पता है कि उसका दिन निकट है, उसको अब प्रभु के पास जाना है, तो वो अपनी पत्री में क्या लिखता है? वो कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी कुश्ती लड़ ली है, इस संसार में मैं प्रभु का दास बन के रहा, ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, इस संसार में प्रभु का चेला बनने के लिए मुझे बुलाया गया, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। वो बताता है, पौलुस बताता है, बहुत सी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा, बहुत बार कहता, एक बार तो ऐसा था हम अधमरे छोड़ दिए गए। वो कहता, हम कंगाली में जीना सीख गए, हम कंगाली को भी हमने अनुभव किया है, दुखों के दिन हमने देखे हैं, लोगों ने हमें बहुत हमारी पिटाई की है, पर पौलुस अब बुजुर्ग हो चुका है, मरने वाला है, और क्या कहता है? मैंने अपनी दौड़ को अच्छे से पूरा कर लिया है। आज मैं आपको हम जो पत्री पढ़ रहे हैं इसके अंदर से अपने ईमानदार या विश्वास योग्य मसीही जीवन जीने के विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा, वचन जो हमें सिखाता है। हम सब जानते हैं कि पौलुस इस कलीसिया को पत्री लिख रहा है, वो कलीसिया थेसलोनिका नाम की शहर की कलीसिया है, और वहाँ पर पौलुस ने, ध्यान से सुनो, सिर्फ 3 हफ्ते प्रचार किया। उसके पहले वहाँ पे कोई चर्च नहीं था, कोई कलीसिया, कोई सत्संग नहीं थी। पौलुस वहाँ पे गया, पौलुस ने वहाँ पे 3 हफ्ते, केवल कितने हफ्ते? केवल 3 हफ्ते, सब्त के दिन उसने वहाँ पे प्रचार किया। उसने लोगों को सुसमाचार सुनाया, यहूदियों को, यूनानियों को, अन्य जाति लोगों को उसने क्या किया? सुसमाचार सुनाया, और एक कलीसिया वहां पे शुरू हो गई। अब एक बात बताओ, एक नई कलीसिया है, इट्स अ न्यू चर्च, नई कलीसिया है, क्या नई कलीसिया को जब स्थापित किया जाए, अगर पादरी 3 हफ्ते के बाद छोड़ के चला जाए तो उस कलीसिया का क्या हो जाएगा?
अगर पादरी 3 हफ्ते के बाद कलीसिया को छोड़ के चला जाए और कलीसिया नहीं है, अभी कलीसिया को चर्च को शुरू हुए केवल 3 हफ्ते हुए हैं, तो कलीसिया का हाल क्या होगा आप अच्छे से समझ सकते हैं। पौलुस केवल 3 हफ्ते प्रचार कर पाया, फिर वहां पर दंगे हो गए, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा है और यीशु मसीह के नाम का प्रचार जहां होता है वहां कोई ना कोई प्रभु का विरोधी बन के खड़ा हो जाता है। तो कुछ यहूदी लोगों ने विश्वास किया, लेकिन कुछ यहूदी लोगों ने विश्वास नहीं किया, और केवल विश्वास नहीं किया नहीं, उन्होंने पौलुस के लिए बहुत सारी समस्याओं को खड़ा कर दिया, और बाइबल बताती है कि पूरे शहर में दंगे मच गए। प्रभु यीशु के नाम का प्रचार कर रहा था पौलुस और शहर में क्या हो गया, दंगे मच गए। तो तीन हफ्ते के अंदर अंदर इसने कलीसिया को पैदा किया, कलीसिया को शुरू किया, कलीसिया को वचन सिखाया, और उसके बाद रातों रात उसको वहां से जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वो चला गया, उसको वहां के लोगों ने रातों रात निकाल दिया। अब पौलुस कहीं और जगह, अलग अलग जगहों पे जा रहा है, तो अब पौलुस को याद आ रहा है कि वो कलीसिया जिसको मैंने शुरू किया था, जहां मैं केवल 3 हफ्ते प्रचार कर पाया, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, पता नहीं वो लोग कहीं प्रभु को छोड़ तो नहीं दिए होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग भटक गए और शैतान की चाल में फिर से फंस गए। इसलिए उन लोगों की सुधि लेने के लिए वो अपने असिस्टेंट, उसका नाम क्या है, तिमोथियस, तो तिमोथियस जो उसका असिस्टेंट है, उसको भेजता है कि तू जा उस कलीसिया में, अब जा और पता करके आ कि वहां के लोग विश्वास में कहीं भटक तो नहीं गए, और अगर वो विश्वास में है, उन्हें विश्वास में क्या करके आ, मजबूत करके आ। तो पौलुस ने अपने असिस्टेंट को भेजा और फिर तिमोथियस वहां पे गया, उसने चर्च का हाल देखा, चर्च एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, हालेलुया। दो चीजों की खबर लेके आता है तिमोथियस वहां से और कहता है, पौलुस वो चर्च जहां पे तूने सिर्फ 3 हफ्ते प्रचार किया, वहां पे लोगों का विश्वास अटूट है और वहां के लोगों का प्रेम अद्भुत है। और पौलुस उसके बाद उस कलीसिया को पत्री लिखता है और कहता है कि मेरा मन था कि मैं तुम्हारे पास आऊं, बट मैं आ नहीं पाया, पर मैंने असिस्टेंट को, अपने सहकर्मी को तुम्हारे पास भेजा। वो कहता है 3 अध्याय में, अभी तिमोथियस मेरे पास आया और उसने बताया कि तुम लोग बहुत अच्छे से अपने विश्वास के जीवन में कायम हो और तुम प्रेम करने में अद्भुत हो, तुम एक दूसरे को प्रेम भी कर रहे हो, तुम विश्वास भी कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूं। फिर वो कहता है, मैं फिर भी कामना करता हूं, पौलुस कहता है कि तुम लोग तो आदर्श कलीसिया बन चुके हो, बहुत अच्छी कलीसिया बन चुके हो, पौलुस कहता है मैं फिर भी कामना करता हूं कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हारे विश्वास में जो कमी घटी है उसको पूरा करूं। अब मुझे बताओ, क्या पौलुस एक समस्याओं से घिरी हुई कलीसिया को लिखता है या आदर्श कलीसिया को लिख रहा है? तो आदर्श कलीसिया में तो फिर और तारीफ तो कर ही रहा है विश्वास की, लेकिन एक आदर्श कलीसिया को भी वो क्या कहता है, एक ऐसी कलीसिया जहां पे लोगों का विश्वास अटूट और अद्भुत है, ऐसे लोगों को भी वो कहता है, तुम्हारे विश्वास में जो भी कमी घटी है मैं आके पूरा करना चाहता हूं। इससे हम क्या सीखते हैं, हम कभी भी अपने विश्वास में उतना नहीं बढ़ जाते कि हमें और बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम कभी भी अपनी उन्नति में प्रभु में इतने मजबूत नहीं हो जाते कि अब हमें और मजबूत होने की जरूरत नहीं है, हमें उन्नति में, प्रभु में उन्नति करने की जरूरत है। हमेशा कुछ ना कुछ है जो हमें नहीं आता, कुछ ना कुछ है जो हमें समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ है हमारे जीवन में जो गड़बड़ है। और पौलुस कहता है, तुम हो आदर्श, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, लेकिन पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें वो सप्लाई करना चाहता हूं, तुम्हें देना चाहता हूं जो तुम्हारे विश्वास में अभी भी नहीं है, मतलब तुम्हें और भी उन्नति करनी है। और फिर उसके बाद वो उनको लिखता है कि मैं तुम्हें योग्य चाल चलन तुम्हारी हो, मैं वो सिखाना चाहता हूं। क्या है वो योग्य चाल चलन? और आज मैं ईमानदार या विश्वास योग्य मसीही जीवन कैसा होता है? दौड़ को शुरू तो किया, मसीही दौड़ शुरू तो कर ली, लेकिन मसीही दौड़ को अंत करने के विषय में आज मैं आपको प्रचार करना चाहता हूं। ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। 4:1 अपनी बाइबल में देखो, 4:1। पौलुस कहता है, अंत में हे मेरे भाइयों, हम तुमसे प्रभु यीशु मसीह में निवेदन करते हैं और तुम्हें समझाते हैं,
कि जैसे तुमने योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई, जैसा कि तुम सचमुच चलते भी हो, वैसे ही और भी अधिक बढ़ते जाओ। अब मेरी तरफ देखें सब लोग, पौलुस क्या कह रहा है, कहता अंत में है मेरे भाइयों, मतलब वो कह रहा है तुम विश्वास में बहुत अच्छे हो, तुम प्रेम में बहुत अच्छे हो, तुम आदर्श बन चुके हो, पर अब सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं, तुम अपना जीवन ऐसे जियो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन से प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर जब स्वर्ग में बैठा है तुम्हारे जीवन को देखे, तो तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर के दिल को खुशी और आनंद और प्रसन्नता पहुंचे। देखो क्या कहता है, अंत में मेरे भाइयों हम तुमसे प्रभु यीशु मसीह में निवेदन करते हैं। अब मुझे बताओ, पौलुस बड़ा या कलीसिया बड़ी, पद में कौन बड़ा, पौलुस बड़ा या कलीसिया बड़ी? पौलुस बड़ा है, प्रभु का दास है ना, चर्च तो अभी शुरू हुआ है, तो प्रभु का दास, बड़ा दास, सीनियर पास्टर, फाउंडिंग पास्टर अपने चर्च के लोगों को क्या कर रहा है, निवेदन, आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है। वो तो प्रचार करके छोड़ सकता है, मानना है मानो, नहीं माना मत मानो, पर अपने चर्च को क्या करता है, आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है। पौलुस सीनियर होकर भी किस बात का निवेदन करता है, हम तुम्हें निवेदन करते हैं और तुमको समझाते हैं कि जैसे तुमने योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई। कौन सी शिक्षा? बाइबल हमें कौन सी शिक्षा दे सकती है, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो शिक्षा हमें बाइबल देती है। मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूं, आप सब अपने बच्चों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हो, हाँ कि नहीं? आप अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करोगे? आप चर्च आ रहे हो, रास्ते में बहुत दुकानें लगी हुई हैं, आज त्यौहार बड़ा अच्छा है, बहुत बड़ा त्यौहार है, और खिलौना देखा सड़क के किनारे, आपके बच्चे ने खिलौना मांगा, आपका दिल पिसज गया, और बिल्कुल आप चाहते हो कि अपने बच्चे को खुश करने के लिए कोई बात नहीं, 10 रुपये का खिलौना लेके दे देते हैं। क्यों? आप अपने बच्चों को प्रसन्न करना चाहते हो। हम अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो अपने पति या अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करेंगे। हम में से कुछ लोग हैं जो अपने ऑफिस में अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि 6 महीने बाद मेरी तनख्वाह बढ़ाएगा वो, मेरी प्रमोशन करेगा वो, मुझे पैसे चाहिए तो उसको प्रसन्न नहीं करूंगा तो मुझे, उसको खुश नहीं करूंगा तो कैसे मेरा फायदा होगा। हम सब अपने जीवन में प्रसन्न करने के लिए या तो अपने बच्चों को, या अपने पति को, या अपनी पत्नी को, या अपने मित्रों को, अगर मैंने अपने मित्रों को प्रसन्न नहीं किया तो मुझे छोड़ देंगे, वो मुझे बोरिंग करार दे देंगे, वो मुझे बेकार करार दे देंगे, मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे। इसलिए दोस्तों को भी खुश करना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को खुश करते हैं, पति को खुश करते हैं, पत्नी को खुश करते हैं, मित्रों को खुश करते हैं, बॉस को खुश करते हैं। आप में से कौन है जो खुदा को खुश करना चाहता है? हम में से कितने हैं जो सोचते हैं बराबर कि नहीं, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है सबसे पहले? क्या ये सोच है हमारे अंदर, मुझे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन जीना है, मुझे प्रभु के दिल को आनंद पहुंचाना है, प्रभु मेरी तरफ देखे तो प्रभु मुझसे खुश हो, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं। बहुत परिश्रम, बहुत त्याग, बहुत बलिदान। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था, प्रेम का उदाहरण दिया था, मैंने पति पत्नी के प्रेम का उदाहरण दिया था कि एक पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए 10-15 किलोमीटर गया चॉकलेट खरीदने के लिए। क्यों? वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, उसे प्रसन्न करना चाहता है। तो हम किसी भी सीमा तक पहुंच जाते हैं खुश करने के लिए। बहुत बार हमारा ध्यान अधिकतर अपने आप को खुश करने में होता है, अगर बच्चों को नहीं, अगर पति पत्नी को नहीं, अगर बॉस को नहीं, कहीं ना कहीं हम सब अपने आप को खुश करने के लिए जीते हैं, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जीते हैं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जीते हैं। पर बाइबल बताती है, कलीसिया के लोगों, हमने तुमको सिखाया, समझाया, और हम तुम्हें निवेदन करते हैं, हम तुम्हें आग्रह करते हैं, हम तुम्हें सिखाते हैं किस प्रकार तुम प्रभु को प्रसन्न करो, किस प्रकार तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, परमेश्वर तुम्हारे जीवन से क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। कितनों को अब तक जो मैंने बोला समझ में आया? अंत में है मेरे भाइयों, हम तुमसे यीशु में निवेदन करते हैं और तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई, जैसा कि तुम सचमुच चलते भी हो, वैसे ही और भी अधिक बढ़ते जाओ।
पॉलुस तो यहां पर कलीसिया को अज्यूम कर रहा है, पहले से ही मान के चल रहा है कि कलीसिया के लोग प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं, पर क्या कहता है, अगर तुम प्रभु को प्रसन्न कर भी रहे हो तो भी और ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करो, ऐसे ही लिखा ना, और ज्यादा प्रसन्न करो परमेश्वर को। ये सवाल मैं आप लोगों के मन में छोड़ रहा हूं ताकि आप सोचें इसके बारे में, हुम आर यू प्लीजिंग, किसको खुश करने के लिए जीवित हो, सबसे अधिक कौन है आपका टारगेट जिसको आपने खुश करना है। अगर वो आपके बच्चे हैं तो आप एक बाइबल क्या बोलती है आपको, आइडोलेटर, मूर्ति पूजक हैं। अगर आप परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो आप क्या हैं, मानोगे नहीं, क्या हैं? अगर मैं परमेश्वर से ज्यादा सपना को प्रेम करता हूं तो मैं क्या हूं, मूर्ति पूजक। मूर्ति क्या है, जिस चीज को हम प्रभु से ज्यादा प्यार करते हैं वो चीज क्या है, हमारे लिए मूर्ति है, और मूर्ति परमेश्वर घृणा करता है, मूर्ति पूजा परमेश्वर घृणा करता है। आप अपने बच्चों से बढ़कर अगर प्रभु से प्रेम करते हो तो ऐसा जीवन उसे प्रसन्न करता है। तो बच्चों से बढ़कर, माता पिता से बढ़कर, पति या पत्नी से बढ़कर, मित्रों से बढ़कर, अपने बॉस से बढ़कर, स्वयं से बढ़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन ही एक ईमानदार मसीही जीवन कहलाएगा, या विश्वास योग्य मसीही जीवन कहलाएगा। 4:2 में वो कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु के अधिकार से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं दी हैं। इसका मतलब मेरी तरफ देखें, इसका मतलब ये कौन सी आज्ञाएं हैं, ये वो आज्ञाएं हैं जिन आज्ञाओं का पालन करने से परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। पौलुस ऐसे ही आपको छोड़ नहीं देता, जाओ खुदा को प्रसन्न करो। आप सोचते हैं कैसे करूं प्रसन्न खुदा को, आपने पौलुस लिख तो दिया बाइबल में कि खुदा को प्रसन्न करो, पर मैं कैसे करूं प्रसन्न परमेश्वर को। पौलुस आपको ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ देता कि आप अपने आप फाइंड आउट करो कैसे प्रसन्न करूं। पौलुस कहता है हमने तुमको आज्ञाएं दी हैं, और क्या क्या कहता है, परमेश्वर के अधिकार से, मनुष्य के अधिकार से नहीं दे रहा, किसके अधिकार से, परमेश्वर के अधिकार से हम तुमको आज्ञाएं देते हैं, इन आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर को प्रसन्न करोगे। तीन चीजें हैं इस खंड में, तीन चीजें जो पौलुस बड़े स्पष्ट रूप से बताता है किस प्रकार हम प्रसन्न कर सकते हैं। तीन पद पढ़ो, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, कि तुम में से प्रत्येक अपनी अपनी पत्नी को आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने, यह अन्य जातियों के समान कामुक होकर नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात में कोई भी अपने भाई का अपराधी अपराध ना करे और उसे ना ठगे, क्योंकि प्रभु इन सारी बातों का बदला लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुम्हें बतलाया और गंभीरता पूर्वक चिताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। सामने देखें, पौलुस कहता है तुम अपने जीवन से क्या करो, किसको प्रसन्न करो सबसे बढ़कर, आंसर दो, सब लोग बोल के उत्तर दीजिए तो अच्छा होगा। सबसे बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, बीवी से बढ़कर, पति से बढ़कर, दोस्तों से बढ़कर, बॉस से बढ़कर, पास्टर से बढ़कर, स्वयं से बढ़कर किसको प्रसन्न करने के लिए जीना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना है। तो कैसे जिए, कैसे उसको प्रसन्न करें, पौलुस कहता है हमने तुमको आज्ञाएं दी हैं। सात में पौलुस पहली आज्ञा देता है, वो पहली आज्ञा क्या है, वो बेसिकली यही है, पवित्रता। समझ में आ गया, सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे, आप खुदा को किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हो, पवित्रता का जीवन जी के आप उसे प्रसन्न कर सकते हो। अब सवाल उठता है ये कौन सी पवित्रता है, कौन सी पवित्रता है, क्या हमें भजन संहिता अपने मुझबानी याद करनी है, भजन संहिता रट लो भजन संहिता और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के भजन संहिता बोलना शुरू करो, खुदा बड़ा प्रसन्न, मंत्र पढ़ो, भजन संहिता का मंत्र बना लो और पढ़ो, बाइबल बिना देखे बाइबल याद कर लो, पवित्र हो जाओगे, या 40 दिन का उपवास करो, सारा साल 40 दिन का उपवास करो,
40 दिन का उपवास करो, एक दिन खाना खाओ, फिर 40 दिन का उपवास करो, फिर एक दिन खाना खाओ. अगर ऐसा होगा ना, दो चार दिन के अंदर अंदर ही शायद आप में से कईयों का जनाजा पढ़ना पड़ेगा हमें. परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम सारा साल हम उपवास करें. उपवास प्रार्थना करने का एक सीजन होता है, एक समय होता है, और हर बार चर्च घोषणा नहीं करता सितंबर का महीना उपवास प्रार्थना. आप खुद अपने लिए, जब आपको आत्मा अगुवाई करे, आप अपने जीवन के लिए 10 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 40 दिन, 2 महीने आप उपवास कर सकते हो. पर क्या उपवास करना पवित्रता कहलाता है? जिस पवित्रता की बात यहां पर पौलुस कर रहा है ना, मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा. पौलुस कहता है परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो. तीसरा पद देखो सब लोग, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो. आगे आप लोग जोर से पढ़ो क्या लिखा है. अर्थात व्यभिचार से बचे रहो. व्यभिचार से बचे. सुनो सारे, ये वो वाली पवित्रता की बात हो रही है. शादी होने से पहले किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना पाप है. किसी और को अनुचित रीति से छूना पाप है. और शादी होने के बाद अपने पति या पत्नी को छोड़ किसी और की तरफ देख भी लेना व्यभिचार है. शादी के पहले शारीरिक संबंध गुनाह है, पाप है. और शादी के बाद अपने जीवन साथी को छोड़ किसी और के साथ संबंध बनाना पाप है. अब कई लोग सोचेंगे, अच्छा संबंध तो नहीं बना सकते, देख सकते हैं. प्रभु यीशु ने क्या बोला? अगर आपने अनुचित रीति से अपनी आंखों से अगर आपने किसी को देख लिया तो आपने क्या कर दिया? व्यभिचार कर दिया. देखना व्यभिचार है. सारे बोलो, देखना व्यभिचार है. करना तो है ही व्यभिचार, लेकिन बाइबल क्या बोलती है? अनुचित रीति से, गंदी नजरों से सामने वाले को देखना क्या है? व्यभिचार है. खुदा को प्रसन्न करना चाहते हो? खुदा को प्रसन्न करना चाहते हो प्रभु को? तो पौलुस कहता है पवित्र जीवन जियो. ये शारीरिक पवित्रता की बात कर रहा है. ये उस पवित्रता की बात नहीं कर रहा जो पवित्रता प्रभु यीशु ने हमें दे दी. अपनी पवित्रता उसने हमें दे दी, हमारे पापों को क्षमा कर दिया. वो सब कुछ पहले की बात है, वो हो चुका. हमारे पाप क्षमा हो चुके, उद्धार मिल चुका, मुक्ति मिल चुकी, प्रभु की संतान हम बन चुके. अब ये आदर्श कलीसिया के लोगों को पत्री लिखी जा रही है. ये आदर्श कलीसिया के लोगों को पौलुस समझा रहा है, क्योंकि आदर्श कलीसिया के अंदर भी कुछ लोग होंगे जो इस प्रकार का गलत जीवन जो जिएंगे, जो दूसरों को गलत नजरों से देखेंगे, जिनका जीवन व्यभिचार का जीवन होगा. मेंबरशिप होगी आदर्श कलीसिया की. मेंबरशिप कौन सी होगी? लेकिन जीवन कैसा होगा? व्यभिचार का जीवन होगा. किसी को छूना, किसी को देखना, किसी का दुरुपयोग करना. उसमें लिखा ना कि कोई भी अपने भाई को ना ठगे. यहां पे भाई का मतलब विश्वासी है. कोई आदमी, आज मुझे पता चला, कल मुझे फोन आया कि आपके स्कूल में हम बच्चों को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं. जब लोग उनको गलत तरीके से छूते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं आपके बच्चों को. जब बड़ी उम्र के आदमी लोग आपके बच्चों को छुएंगे, इधर उधर हाथ लगाएंगे, आपके बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं ताकि आपके बच्चों को पता हो कौन सा छूना गलत है, कौन सा छूना सही है. मैंने पूछा, ऐसा क्यों ये लेडी मुझे बोल रही है? कि इसके पीछे कुछ तो है, क्योंकि वो लेडी मुझसे कभी वो बात नहीं करती. आज उसने मुझे बताया कि जहाँ पे उनका दफ्तर है, सामने वाली बिल्डिंग में एक 65 साल के आदमी ने 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया. और कभी कभी ये काम कलीसिया में भी हो सकता है. बलात्कार शायद नहीं होगा, लेकिन जो पावर रखता है, जो बड़ी उम्र का है या जो बड़े ओहदे का है, वो कमजोर व्यक्ति को अपने फायदे के लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए इस्तेमाल कर सकता है. ये संभव है. आदर्श कलीसिया में गलत काम हो सकते हैं. इसलिए रोज रोज प्रभु के साथ चलना जरूरी है. इसलिए रोज रोज सुसमाचार को याद करना जरूरी है. इसलिए रोज रोज अपने आप को जांच कर, रात को सोने से पहले कभी भी बिना माफी मांगे प्रभु से सोना नहीं है. पौलुस कहता है यह पवित्रता है जो तुम्हें प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो उपयोगी होगी तुम्हारे लिए. आदर्श कलीसिया की मेंबरशिप लेके मत बैठो, अपना जीवन देखो. चर्च बहुत अच्छा है, पास्टर बहुत अच्छा है, शिक्षा बहुत अच्छी है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं. आदर्श कलीसिया है, बहुत बहुत कुछ अच्छा है इस कलीसिया में. आदर्श कलीसिया की मेंबरशिप आपको नहीं बचाएगी. आपका प्रभु के लिए सीरियस होना व्यक्तिगत रूप से, वो आपको बचाएगा.
इसलिए प्रभु कहता है, वचन कहता है, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन जियो। कैसे कर सकते हो? पौलुस कहता है आज्ञाएं हैं उनको मानो तो तुम प्रसन्न करोगे। पहली आज्ञा कौन सी है? पवित्रता। और ये कौन सी पवित्रता की बात कर रहे हैं? शारीरिक पवित्रता। शादी से पहले शारीरिक संबंध गलत हैं, शादी के बाद जीवन साथी को छोड़ ऐसा वाला संबंध करना गलत है, मोबाइल पे गलत तस्वीरों को देखना पाप है, मोबाइल पे गलत वीडियो को देखना पाप है। आज से बहुत साल पहले की बात है, एक परिवार के अंदर एक 14 साल का लड़का मोबाइल पे गलत तस्वीरें देख रहा था और उसकी माँ हंस के मुझे बता रही थी। अब उसकी बहन के सामने उसकी माँ बता रही है कि मेरा बेटा ना ऐसे करता है, और हंस रही है उसकी माँ। हल्के में लिया। कभी कभी माँ बाप सीरियस नहीं होते अपने बच्चों को लेकर के, उनके बच्चों के अंदर 13, 12, 13, 14 साल की उम्र से शरीर में बहुत से बदलाव आने शुरू होते हैं, और अपने बच्चों पर नज़र रखना ज़रूरी है। ना केवल अपने बच्चों को कमरे में बंद करना ज़रूरी है, मतलब वो तो गलत है, करना नहीं चाहिए, बहुत लोग ही करते हैं, बस उनको बिल्कुल काट दो, अलग रखो उनको, बंद कमरे में रखो, ये आपके बच्चों की सोल्यूशन नहीं है। अपने बच्चों से बात करना, उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में, पिता अपने बेटे से बात करे, माँ अपनी बेटी से बात करे, तेरे शरीर में बेटा ये बदलाव अभी आएंगे, और ये एक चीज़ होती है, पर हम प्रभु के लोग हैं और तुझे परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने शरीर को शुद्ध रखना है। अगर माँ बाप खुलकर अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, आपके बच्चे कहीं और से गलत सीख कर गलत रास्ते पे चलने लगेंगे और आपको खबर तक नहीं होगी। लेकिन अगर आप छोटी उम्र से अपने बच्चों से खुल के बात करेंगे, अगर बाप बिना शर्माए अपने बेटे से खुल के बात करेगा कि ऐसा होता है, माँ अपनी बेटियों से बात करेगी, तो आपके बच्चे सुरक्षा का माहौल आपने अपने घर में बना दिया और आपने उनको सिखा दिया क्या होता है क्या नहीं होता है। बड़े होने के बाद भी माता पिता के लिए बच्चों को प्रभु का रास्ता दिखाना, केवल उनको भजन संहिता 23 रटवाना, भजन संहिता 121 रटवाना, भजन संहिता पहला अध्याय रटवाना, यही सब हमें लगता है यही है बच्चों को वचन सिखाना। बच्चों को वचन रटाना अच्छी बात है, लेकिन यही काफ़ी नहीं है, आपको मुद्दों को लेकर बात करनी पड़ेगी, आपको आमने सामने बैठ के अपने बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप किस तरह के वातावरण को अपने घर में अलाउ करते हो, मतलब जब कुछ गलत आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जब कुछ अनुचित शब्द बोलने वाले लोग आपके आसपास हैं, आप वहीं बैठकर हे बोल के अगर हंसोगे, अगली बार और गलत वो बोलेगा और आप उस तरह के वातावरण के आदि हो जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी बात उचित है जो चलेगी, कौन सी बात अनुचित है जिसके विरुद्ध मुझे खड़े होना है। आज पता है हम पाप में क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आपके घर में शराब पीने वाले लोग आते हैं जो शराब पीकर आपस में बेकार बातें करते हैं, इधर उधर देखते हैं, आपको फैसला लेना है, मेरे घर में दारू नहीं आएगी, ना मेरे घर में दारू पीने वाले लोग आएंगे। कल रात मेरे घर में मेरे कोई बहुत दूर के रिश्तेदार आए, 10 साल के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं रात में एक मीटिंग करके काफ़ी देर, लगभग 10 बजे मैं अपने घर पहुंचा, और घर पहुंचने से पहले मेरे मन में ख्याल आया, ये आदमी जो मेरा रिश्तेदार है जो मेरे घर पे आने वाला है, इसको शराब पीने की भयंकर आदत है। जब मैं घर गया तो वो कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था, मुझे और डाउट हुआ कि जब ये घर आएगा तो बोतल लेके आएगा। तो मैंने बातों बातों में अपने उनकी माँ जो घर में थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या इसने पीनी छोड़ दी है? उसने बोला कहाँ छोड़ दी, ये छोड़ता है फिर पकड़ लेता है, छोड़ता है फिर पकड़ लेता है। मैंने अपना मन बना लिया था, अगर वो आदमी मेरे घर में दारू की बोतल लेके आएगा, मैं उसको स्पष्ट बोलूँगा, मेरा घर तेरे लिए बंद है, आप अभी जाइए, मैं आपका कुछ नहीं लगता, मेरे घर में दारू का ढक्कन की बोतल का ढक्कन कभी नहीं खुल सकता, आपको फैसला करना है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, 2 महीने पहले मेरे मोबाइल पर एक आदमी ने गलत तस्वीर भेजी, उसको प्रभु को नहीं जानता, अन्य जाति का आदमी है और बड़ी उम्र का है, 55 साल की लगभग की उम्र का है, उसने मेरे फ़ोन पर एक गंदी तस्वीर भेजी। उसी वक्त मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने कहा भाई साहब आज के बाद कभी नहीं, और उसका नंबर मैंने ब्लॉक किया। आप किस चीज़ को अपने जीवन में आने का अनुमति दे रहे हैं, वही चीज़ आपको बनाएगी जो आप बन जाओगे। पवित्रता के लिए गंभीर कदम उठाने पड़ते हैं।
एक दिन की उपवास प्रार्थना करके खुदा मुझे पवित्रता का दान दे. सुनो, पवित्रता दान में नहीं मिलती, पवित्रता बनाई जाती है. पवित्रता की डिमांड परमेश्वर करता है. पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है. उसके बाद प्रैक्टिकल पवित्रता अपने जीवन के निर्णयों से पैदा की जाती है. पवित्रता आपकी झोली में आकर नहीं गिर जाएगी. पवित्रता के लिए आपको एक दिन में 25 चीजों को मना करना पड़ेगा. आपको अपने सर्कल को छांटना पड़ेगा. बाइबल कहती है कि तुम अनुचित सर्कल से निकल जाओ, इस झुंड को छोड़ दो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देती है. बाइबल सिखाती है व्यभिचार का पाप, मतलब शरीर का पाप खत्म करो. एक जगह पे इफिसियों पांच उसके तीन से पांच में खोलना मत, लेकिन उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि तुम लोगों के अंदर यौन पाप का जिक्र तक नहीं होना चाहिए. उसका छोटा सा अंश भी तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बातचीत में नजर नहीं आना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए. नॉट इवन अ हिंट, ऐसे लिखा है, नॉट इवन अ हिंट ऑफ सेक्सुअल इमोरालिटी. शरीर के साथ जो हम पाप करते हैं, उस पाप को लेकर छोटी सी भनक भी तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए. इस प्रकार हमें अपने जीवन के आसपास के वातावरण को हमें छांटना है. और हम कैसे जीवन जीते हैं, इन बातों को लेकर दोनों हाथ जेब में चलते जा रहे हैं. जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि किस प्रकार का, मेरे घर में क्या चीज़ आ रही है, कैसे लोग आ रहे हैं, क्या बातचीत मेरे घर में हो रही है, मेरे बच्चे रात को 10 बजे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, हमें कोई नहीं पता. हमें 9:30 बजे बिस्तर चाहिए. हम थके हैं, दिन भर बहुत काम किया, तो बच्चों को ले बच्चा तुम लो मोबाइल करो, जो करना है मेरे को तो सोने दो बस, मुझे डिस्टर्ब मत करना. और आपके बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं आपको नहीं पता. फिर 16, 17, 18 साल के उम्र के बच्चे जब हो जाते हैं तब आपको पता चलता है. फिर आप फिर उपवास प्रार्थना करते हो, मेरे बच्चों को बदल दे. माँ बाप, अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे आपके बच्चे बिगड़ गए समझो. और माँ बाप, अगर आप अनुचित जीवन जी रहे हो, अगर आप व्यभिचार का जीवन जी रहे हो, आपके बच्चों के अंदर व्यभिचार का आत्मा काम करेगा. मेरे बहुत सगे एक परिवार है, बहुत सगे में एक परिवार है, 65-70 साल की वो महिला थी जो गलत काम करती थी. मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं. अपने पति जो जीवित था उसको छोड़ किसी और के साथ रहना शुरू किया, क्योंकि उसको कनाडा रहने का बहुत शौक था. बुजुर्ग अवस्था में भी वो गलत काम करती थी, औरों से करवाती थी, गलत जीवन था उसका. उसकी बेटी जो उस समय जब मैं उनको जानता था 40 साल लगभग की उम्र थी, 40 साल की उम्र में उसने भी अपने पति को छोड़ दिया और गलत काम पड़ गई और किसी और पुरुष के साथ रहने लगी. उसकी माँ ने किया, उसकी बेटी ने किया. एक 4 साल पहले मुझे पता चला उनकी 16 साल की बेटी शादी से पहले गलत काम करते हुए पकड़ी गई. नानी ने किया, उसकी बेटी ने किया, उसकी बेटी ने किया. और सुनो, उस लेडी ने अपने पति को छोड़ दिया, बाद में डिवोर्स दे दिया. उसकी बेटी ने दूसरे आदमी के चक्कर में अपने पति को डिवोर्स दे दिया. उनके बेटे ने, जिसकी शादी हुई, शादी होके इतना प्यारा बच्चा उनका पैदा हुआ, बच्चा 1 साल का था उस समय, उसका भी डिवोर्स हो गया. बहुत से कलंक हमारे जीवन में ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं. बहुत लोग विश्वास नहीं करते इस पे, लेकिन इस बात के अंदर हमें समझना है, गंभीर हो जाना है इन चीज़ों को लेकर. अगर आप व्यभिचारी हैं, आप अपने बच्चे को गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? अगर आप एक व्यभिचारी पुरुष हैं तो आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? वही आत्मा आपके बच्चों के अंदर काम करना चाहेगी. जब मेरे को 2013-14 में जब मुझे पहली बार शुगर की बीमारी हुई, मैं तो दंग रह गया. मैक्स हॉस्पिटल में एक बार टेस्ट करवाया था, उन्होंने बोला कि आपको डायबिटीज़ है. तो डॉक्टर ने बोला, आपके घर में किस किस को डायबिटीज़ है? क्या आपके दादा को डायबिटीज़ थी? क्या आपके पिता को डायबिटीज़ थी? मैंने बोला हाँ थी, क्योंकि हम जानते हैं ये बीमारी कहाँ से आती है. अगर बाप को थी तो बच्चों को भी अधिकतर वो बीमारी हो जाएगी. उसी, ये तो शरीर की बीमारी है, उसी प्रकार आत्मा की बीमारी भी ऐसे ही काम करती है. जो गंदी भयानक आदत हमारे अंदर है,
अगर हम पश्चाताप करके उस बंधन से नहीं टूटेंगे, उस बंधन से प्रभु की शक्ति से अगर हम अलग नहीं होंगे, अपने बच्चों को विरासत में वही दे रहे हम, और हमारे बच्चों के अंदर वही चीज आ जाएगी। व्यभिचार से बचो, यौन पापों से बचो, सेक्सुअल पापों से बचो। खुल के प्रचार करना मेरे लिए जरूरी है, वरना मीठा मीठा प्रचार करूंगा, बोलोगे चलो अब चाय पी के घर चलते हैं, कोई फायदा नहीं है। सच बोलना जरूरी है मेरे लिए। पौलुस ने साफ साफ लिखा, चर्च के अंदर चर्च की पत्री लिख रहा है और कहता है कि तुम सेक्स वाले पाप मत करो, अपने शरीर को पवित्र रखो, अपने शरीर से ऐसे पाप मत होने दो। लिखा है एक और जगह पे कहता है सारे पाप इंसान अपने शरीर से बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार का पाप वो अपने शरीर के अंदर करता है। और कहता है पहला कुरिन्थियों 3 में कहता है पूरी कलीसिया पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर पहला कुरिन्थियों 6 में कहता है हे पुरुष हे नारी तू इंडिविजुअली, तू एक आदमी एक एक करके हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है, उसी शरीर से हम गलत काम करेंगे, उसी शरीर से हम दूसरों को गलत नज़रों से देखेंगे, उसी शरीर से हम पोर्नोग्राफी गलत तस्वीरों को देखेंगे, गलत वीडियोस को देखेंगे, गंदे जोक्स को इन्जॉय करेंगे, दूसरों को भेजेंगे, हमारी मुंह से गालियां निकलेंगी, गंदी गंदी गालियां हमारे मुंह से निकलेंगी, और लेकिन हम गाना गा लेंगे मैं यीशु का मंदिर बनूंगा। यीशु मसीह अपने लोगों से प्यार करता है। यीशु मसीह का प्यार आपके लिए यह भी है कि यीशु मसीह ने आपके शरीर को अपना मंदिर बना लिया, और आप उस शरीर के साथ क्या हम ऐसा काम करेंगे। आप में से कईयों को लगता है ये ज़्यादा कठोर हो गया, मानना मुश्किल है। 8वां पद पढ़ो, सब लोग पढ़ो 8वां पद, सब लोग पढ़ो। परिणाम स्वरूप जो इसे अस्वीकार करता है, ये जो शिक्षा हम दे रहे हैं, जो इसे अस्वीकार करता है, पढ़ो क्या लिखा है, वो मनुष्य को नहीं वरन परमेश्वर को अस्वीकार करता है जो तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देता है। जो पवित्रता की शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेता, उसने किसको कर दिया रिजेक्ट? जॉय पास्टर को। किसको कर दिया रिजेक्ट? परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहां पे एक अजीब सी बात, ध्यान से सुनना, यहां पे एक अजीब सी बात पौलुस लिखता है कि जो इस शिक्षा को अस्वीकार करता है वो मनुष्य को अस्वीकार नहीं करता, प्रचार करने वाले को अस्वीकार नहीं करता, परमेश्वर को अस्वीकार करता है जो पवित्र आत्मा देता है। ये आखिरी जो है ना पूंछ समझ में नहीं आई, ये सारी बात कर रहा है व्यभिचार के बारे में, अंत में कहता है परमेश्वर को अस्वीकार करता है जो पवित्र आत्मा देता है। क्या ये क्यों लिख रहा है जो पवित्र आत्मा देता है? क्योंकि पौलुस ये बताना चाहता है पवित्रता अपने प्रयासों से नहीं होती, पवित्रता का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देता है। अपने प्रयासों से हम केवल गलत काम करेंगे, अपनी कोशिश से हम अपवित्र काम ही करेंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा की मदद हम मांगेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। इसलिए पौलुस यहां पर पवित्र आत्मा का जिक्र करता है। इसलिए सुबह उठकर प्रतिदिन परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना, पवित्र जीवन जीने के लिए बुद्धिमान लोग करते हैं। हमने सुना है, खास तौर पे YouTube प्रचारकों से सुना है, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम अन्य भाषा बोलोगे। सही है, ऐसा होता है, पवित्र आत्मा आएगा तो तुम चमत्कार करने लग जाओगे। सही है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही चमत्कार होते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम आराधना का आनंद पाओगे। सही बात है, पवित्र आत्मा अगर नहीं आएगा तो आराधना का आनंद नहीं पाएंगे। पर पौलुस ये भी सिखाता है पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम पवित्र बन जाओगे। इसकी चर्चा कोई करता नहीं, अन्य भाषा की चर्चा होती है, चमत्कारों की चर्चा होती है, आराधना में आनंद की चर्चा होती है, पवित्रता की चर्चा नहीं होती। पौलुस कहता है व्यभिचार से बचो, अगर व्यभिचार से बचोगे तो खुदा को प्रसन्न करोगे, और अगर इस शिक्षा को नहीं सुनोगे, ध्यान से नहीं मानोगे, तो तुम खुदा को ठुकरा रहे हो जो तुम्हें पवित्र आत्मा देने को तैयार है पर तुम मानने को तैयार नहीं। जब तक तुम अपनी कमजोरी मानोगे नहीं, मदद सहायता कैसे मिलेगी?
इसलिए प्रभु के सामने जाकर बोलें, प्रभु मेरे इर्द गिर्द बहुत गंद है, मेरी जेब में हर वक्त गंद रहता है, क्योंकि जेब में क्या है? मोबाइल। मोबाइल में क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट बहुत महंगा है? नहीं है, सब बहुत सस्ता है, मुफ्त है। जो मन चाहे देख लो, जब मन चाहे देख लो। फिर हम चर्च में आकर प्रभु का गाना गाएंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। पौलुस कहता है परमेश्वर को प्रसन्न करो। कैसे करें? पवित्रता का जीवन जियो। अगली चीज देखते हैं, 9 पद पढ़ें। अब भाईचारे के प्रेम के विषय में यह आवश्यक नहीं कि कोई तुम्हें लिखे, क्योंकि एक दूसरे को प्रेम करना तो तुम आप ही परमेश्वर से तुमने सीखा है, क्योंकि तुम सचमुच समस्त मैसेडोनिया के भाइयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो। परंतु भाइयों, हम तुमसे आग्रह करते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। अब मेरी तरफ देखें, पौलुस एक कमजोर कलीसिया को लिख रहा है या आदर्श कलीसिया को लिख रहा है? आदर्श कलीसिया के अंदर दो चीजों की तारीफ करता है। पहली चीज कौन सी है? विश्वास, और दूसरी प्रेम। तो उनके अंदर प्रेम है कि नहीं है? बोलो बोलो, प्रेम है। पर क्या बोलता है? तुम सचमुच प्रेम करते हो। वो कहता है तुम केवल अपने चर्च वालों से प्रेम नहीं करते, तुम समस्त मैसेडोनिया के लोगों से प्रेम करते हो। तुम इतने अच्छे हो कि तुम सबसे प्रेम करते हो। पर क्या कहता है? मैं तुमको कहता हूं, अगर तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो, और तुम कर रहे हो, बट मैं चाहता हूं कि तुम और ज्यादा प्रेम करो। बाइबल कहती है तुम्हारे ऊपर कोई भी कर्जा कभी ना रहे, कोई भी कर्जा अपने ऊपर मत रखो। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, कोई कर्जा अपने ऊपर मत रखो, फटाफट अपने सारे कर्जे उतार दो। जिसके पैसे देने हैं, पैसों का कर्ज उतार दो, जिसको इज्जत देनी है, इज्जत का कर्ज उतार दो। फिर ऐसे लिखा हुआ है, और प्रेम का कर्ज जो हमेशा तुम्हारे ऊपर बना रहता है। कैन यू बिलीव इट, ये कितनी पावरफुल स्टेटमेंट है। प्रेम तुम्हारे ऊपर एक कर्जा है, प्रेम जो तुमने क्या करना है? चुकाना है। दूसरों को प्रेम कर करके चुकाना है। ये कर्जा तुम्हारे ऊपर आया। जब हम पैसा कहीं से लेते हैं तो कर्जा हमारे ऊपर आ जाता है। तो पहले हमने कर्जा लिया, पैसों का कर्जा अपने ऊपर लिया, तब ना हम उसको किश्तों में चुकाते हैं। उसी प्रकार प्रेम है, ध्यान से सुनना, पहले प्रेम हम प्रभु का अपने ऊपर पा लेते हैं। किसका प्रेम? प्रभु का प्रेम हमारे ऊपर, हमारे अंदर भर लेते हैं। हमने कर्जा ले लिया, और बाद में क्या करना है? उसका कर्जा चुकाना है। पर प्रभु को चुकाएंगे नहीं, वो प्रेम का सागर है। आप समुद्र में एक ग्लास डालोगे कुछ फर्क पड़ेगा? नो। पर वो कर्जा कहां चुकाना है? प्रभु आपके अंदर प्रेम डालता है ताकि आप एक दूसरे के अंदर प्रेम डालते रहो। कभी भी आप किसी को इतना प्रेम नहीं करोगे कि अब प्रेम करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है प्रेम का कर्जा जो हमेशा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा, मतलब सदा हमेशा हर परिस्थिति में प्रेम करना है। इसलिए दूसरी आज्ञा जिसके द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, वो चीज क्या है? क्या है? प्रेम। हमें लगा था प्रभु को प्रसन्न करने के लिए एक साल में 10,000 बाइबल बांटनी पड़ेगी, 20,000 पर्चे बांटने पड़ेंगे, 10 मिशनरी खड़े करने पड़ेंगे, 5 कलीसियाएं शुरू करनी पड़ेंगी, बहुत लोगों को दशमांश देना पड़ेगा, बहुत से लोगों की जाके ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत सारा उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा, तो खुदा प्रसन्न होगा। प्रभु कौन सी बातों से प्रसन्न हो रहा है? बोलो, पहली चीज क्या है? पवित्रता। दूसरी चीज क्या है? प्रेम। बहुत बार इंसान ना अपने आत्मिक कार्यों से खुदा को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, भूल जाता है कि तुम्हारा आत्मिक कार्य, उसकी जो परख होती है, वो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में परखी जाती है। अगर तुम सचमुच खुदा से प्यार करते हो, ये तुम्हारा आत्मिक कार्य है। खुदा को प्यार करना क्या है? आत्मिक कार्य है। पर वो परखा कैसे जाएगा? अगर तुम दूसरों से प्यार करते हो तो तुम परमेश्वर से प्यार करते हो। बहुत खूबसूरत तरीके से यूहन्ना लिखता है, जब तुम अपने भाई बहनों को प्रेम नहीं कर सकते जिनको तुम देखते हो, तो तुम उस खुदा को प्रेम कैसे करोगे जिसको तुम नहीं देखते? अगर आपको खुदा को प्रसन्न करना है, सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम से खुद भर जाना है। जब परमेश्वर के प्रेम से खुद भर गए, उस प्रेम को दूसरों को दिखाते रहना है।
वॉज इट मंगलवार की रात को 3 बजे जीतू भाई का एक्सीडेंट हुआ. 4 बजे मुझे फ़ोन आया. पहले उनकी मम्मी ने फ़ोन किया, मैं वो उठा नहीं पाया. अगला फ़ोन आया 5 मिनट के बाद राम सफल जी का, उनका फ़ोन आया, मैंने उठाया. उन्होंने बोला जीतू का एक्सीडेंट हो गया है. कितना गंभीर हुआ सब कुछ मैंने पूछा. 3-4 बार मेरी उनसे बार बार बात हुई फ़ोन पर. मैं समझने की कोशिश कर रहा था और मैं बाहर था, इस शहर में नहीं था, मैं इंदौर गया हुआ था. फिर मैंने मनीष को फ़ोन किया और मैंने बोला मनीष तुम फटाफट मेदांता पहुंचो, ऐसा ऐसा हो गया है, तुम संभालो. मनीष आए और मनीष ने सब कुछ संभाला. फिर मैंने तुरंत चर्च के ग्रुप के ऊपर मैसेज डाला और मैंने कहा कि जितेंद्र हमारे जीतू भाई का एक्सीडेंट हो गया है, सब लोग प्रार्थना करें. उसके बाद हमारे ठीक है, मैं हम सब के अंदर गलतियां होती हैं, हम सीख लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने चर्च के ग्रुप के ऊपर यूट्यूब के गानों के को लिंक को भेजना शुरू कर दिया. चर्च के किसी भाई का जो हमारा अपना भाई है, जो परिवार का सदस्य है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका शरीर टूट गया है, उसके घुटनों में एक तरह से कचुम्बर बन गया उसके शरीर का, और हम यूट्यूब के गाने के लिंक, अगर ये असंवेदनशीलता नहीं है तो क्या है? अगर आपके अपने परिवार में किसी का एक्सीडेंट होगा तो क्या आप यूट्यूब के गाने चलाओगे? जोर भले प्रभु के हो, आप क्या करोगे उस टाइम पर? आधे घंटे पहले आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, आप यूट्यूब पे गाने सुनोगे या आप जाके देखोगे कि वो कहाँ पड़ा है? बताइए. बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारे मसीही प्रेम को यहीं तक सीमित रखते हैं. प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं. बहुत बार प्रार्थना आपका प्रेम नहीं होता. खड़े हो जाओ, उठो, जाओ, कुछ करो, वो आपका प्रेम है. फिर मुझे गुस्सा भी आया और मेरे पास ये अधिकार है कि मैं इस प्रकार का गुस्सा आपको दिखा सकूं ग्रुप में. मुझे लिखना पड़ा कि इस समय चर्च के भाई का एक्सीडेंट हुआ है, आप तस्वीरें वीडियो ये सब नॉनसेंस मत भेजिए चर्च के ग्रुप में. उठो, घर से बाहर निकलो, फोन करो, कॉल करो, विजिट करो, पैसे निकालो मदद करने के लिए. वो प्रेम है, किसी की मदद करना प्रेम है. और फिर हमने, और मैं बहुत खुश भी हूं इस बात से, जीतू के इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए थे. मेरे ख्याल में आधे पौने घंटे के अंदर अंदर कुछ लोगों ने तो 1 मिनट के अंदर मैसेज कर दिया. और वो सैरा और वेरोनिका को मैसेज कर रहे थे, वो मुझे एक एक मिनट पर मुझे आगे मैसेज कर रहे थे, उसने इतने दिए, उसने इतने दिए. मैं इतना खुश हो रहा था. लोगों ने दो दो तीन तीन मिनट के अंदर लोगों ने तुरंत बोला 5,000, 1,000, 500 मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा. आज भी अब तक लोगों ने, आज भी लोगों ने पैसे दिए उसके लिए. ये है सच्चा प्रेम. प्रेम केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं होता. ऑफकोर्स प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो लगातार हमें करनी है, पर कभी कभी चर्च में एक्सीडेंट होंगे, कभी कभी चर्च में किसी की मृत्यु होगी, कभी कभी चर्च में किसी की पिटाई हो जाएगी, कभी कभी चर्च में कोई भूखा होगा, कभी कभी चर्च में किसी महिला के साथ गलत तरीके से कोई उसको कोई लड़का परेशान कर सकता है. वहां वहां पर पहुंचकर मदद करना वो प्रेम है. चर्च के अंदर वहां खड़े होकर चावल बांटना और दाल बांटना वो सेवा, वो भी सेवा है, पर मत सोचो कि बस वही चर्च के अंदर करूंगा. बाहर है असली जो है ना दुख, वो बाहर है. हमारे गली मोहल्ले में दुख है, हमारे कलीसिया के लोगों के घरों के अंदर दुख है, उनकी जाके मदद करना वो है प्रेम. प्रेम प्रैक्टिकल मदद है. प्रेम केवल शब्दों से नहीं होता, प्रेम केवल बातों से नहीं होता, प्रेम करके दिखाया जाता है. प्रेम कर्म है. और अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो तुम, जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था, पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, विश्वास के द्वारा कार्य कर्म होंगे हमारी जिंदगी में. और अगर तुम्हारी जिंदगी में सेवा के कर्म, दूसरों की भलाई के कर्म नहीं है तो तुम्हारा विश्वास मुर्दा है. तुम मुर्दा विश्वास रखने वाले लोग हो. मुर्दा विश्वास मतलब झूठा विश्वास, क्योंकि विश्वास कभी मुर्दा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है. और अगर सचमुच में होता है तो तुम्हारे अंदर सेवा के कार्य होंगे, प्रेम के कार्य होंगे, बलिदान के कार्य होंगे. अभी जीतू का एक्सीडेंट हुआ और हम सब लोगों ने पैसे इकट्ठे करने पड़े. अभी अगले हफ्ते हम अजय की ट्रीटमेंट के लिए घोषणा करने वाले हैं. अजय की मम्मी यहाँ पे है. अजय के ऑपरेशन को के लिए 4 लाख रुपया चाहिए. अजय की माँ विधवा से कम नहीं है, उसका पति जीवित है, लेकिन 21 साल पहले उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया.
मेरे कहने पर भी वो अपने गांव जाने को तैयार नहीं है। 21 साल हो गए वो अपने गांव नहीं गई। उसके बेटे ने बेवकूफ़ी में एसिड पी लिया, उस टाइम खुदा को नहीं जानते थे। एक साल डेढ़ साल हो गया, उसने कुछ एसिड था उसने पी लिया था, उससे उसकी खाना खाने वाली जो नली है वो ख़राब हो चुकी है। वो डॉक्टरों के पास लगभग एक साल तक डॉक्टरों के पास सरकारी हॉस्पिटल में गए, पंथ हॉस्पिटल में गए। पंथ वालों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, पंथ वालों ने एक पेट की साइड पे पाइप डाल दी, वहीं से खाना खिलाते रहो। खाना मतलब पाउडर, दूध डाल के जैसे भी, बस वो फीडिंग करते रहो। और कहा हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। एक साल हो गया, हर 15 दिन ये महिला अपने बेटे को बिस्तर की अवस्था में उठा के हर 15 दिन जीबी पंथ हॉस्पिटल में जाती थी। जब एक बार अनीता ने मुझे बताया, आज से 6-7 महीने पहले अजय उसी हालत में चर्च आया था, 10-15 मिनट ही बैठ पाया, उसको बहुत दर्द हुआ, हमने उसके लिए प्रार्थना की, वो अपने घर चला गया। उसके बाद वो चर्च तो नहीं आया, लेकिन उसकी माँ ने प्रभु पर पूरा भरोसा किया और अपने बेटे की इस हालत में भी उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। लेकिन वो हॉस्पिटल जाते जा रहे हैं, हर 15 दिन में उनको वहाँ से निराश होकर वापस आना पड़ता है। फिर हमने कहा कि हमें कुछ करना पड़ेगा। हम चर्च के लोग ऐसे नहीं बोल सकते, हाँ मुन्नी हम बुधवार के दिन तुम्हारे बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, हर रोज़ सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करेंगे, हर रोज़ रात को तेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो ये प्रेम है? वो 15 दिन से, वो हर 15 दिन में, एक साल हो गया सरकारी हॉस्पिटल में वो धक्के खा रही है, उसको डेट बेड नहीं मिल रहा, हर बार निराश होकर वापस आना पड़ता है। यहाँ पे प्रेम परखा जाता है। कलीसिया के लोग मिलके हम मदद करेंगे। भाड़ में जाए सरकारी हॉस्पिटल जो कुछ नहीं कर सकता इस समय, हम प्राइवेट में उसका इलाज कराएंगे। लेकिन प्राइवेट में हमारे चाचा ताऊ तो बैठे नहीं हैं डॉक्टर, पैसे लगेंगे। तो 3-4 महीने डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन के लायक करने के लिए उसको कुछ दवाई दी, एकदम से ऑपरेशन, क्योंकि वो 31 किलो का था। कितने का? 31 किलो का था। 31 किलो का आदमी 18 साल की उम्र का, क्या उसका शरीर झेल पाएगा सर्जरी? डॉक्टर ने बोला पहले इसको पाउडर के द्वारा खिलाओ और इसकी 40 तक इसका वजन होने पाए, फिर हम सर्जरी करेंगे। पिछले हफ्ते विरोनिका और मैं, हम मुन्नी और अजय को लेकर हम इधर नारायणा हॉस्पिटल में गए, वहीं पे उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर, मैं बहुत खुश हुआ, डॉक्टर ने बोला अब अजय सर्जरी के लिए तैयार है, इसका सर्जरी हो जाएगी। मैंने बोला डॉक्टर कुछ ऐसा है क्या हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि पहले वो एक पतली सी तार होती है, उसको स्टेंट बोलते हैं, उस स्टेंट को उसकी नली में डाल देंगे, उससे उसकी नली खुल जाएगी और वो जी सकता है। डॉक्टर ने बोला अगर वो 60-65 साल का बूढ़ा होता तो वो चलता, लेकिन अगर वो इस उम्र में अगर उसने स्टेंट डलवा लिया तो 3-4 साल के बाद उसको बहुत खांसी आएगी, उल्टियाँ आएंगी और फिर उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और डॉक्टर ने बोला कि ऐसे में इसके लिए सबसे अच्छा है कि इसका ऑपरेशन किया जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी सर्जरी होगी, लेकिन इस हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत बहुत क्रिटिकल, 7-8 घंटे लगेंगे उसका ऑपरेशन होने में। यहाँ का डॉक्टर बहुत बड़ा है, पर उसने बोला कि हम भी इसको हाथ नहीं लगा सकते। एक दिन मैं और मेरी पत्नी, एक डॉक्टर हैं शिनॉय रॉबिन्सन जो अपोलो हॉस्पिटल्स के ग्रुप CEO रह चुके हैं, उनके हम घर गए, हमने उनसे बात की अजय के बारे में और हमने पूछा कि अजय के लिए बेस्ट क्या है, क्योंकि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, रह चुके हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के CEO रह चुके हैं डॉक्टर शिनॉय रॉबिन्सन। हमने उनसे अजय का केस डिस्कस किया और उन्होंने, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, कहा ये खतरनाक जानलेवा सर्जरी है, इसको कोई दिग्गज डॉक्टर हाथ लगाएगा, हर कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। उसके एक महीने के बाद डॉक्टर ने वही बात मुझे बोली, यहाँ का ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बाय द वे जो पीछे खुला है नारायणा, डॉक्टर ने बोला हम इसको कर नहीं सकते, आपको इसको नोएडा लेके जाना पड़ेगा, नोएडा में डॉक्टर असित नाम से वो डॉक्टर हैं, वही इसकी सर्जरी कर सकते हैं। कितने पैसे लगेंगे? 6 लाख। मैंने बोला वो गरीब विधवा है, कितने पैसे लगेंगे सर अब बताओ? बोले 4 लाख तो फिर भी लगेगा। अब 4 लाख कहाँ से आएंगे? या तो हम अजय को सारी उम्र पाइप से खाना खिलाते रहें, या फिर हम कलीसिया के लोग कुछ ना कुछ करके कम से कम 1-1.5 लाख रुपया हम इकट्ठा करें ताकि हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर सकें, और बाकी का पैसा हम और मित्रों से इकट्ठा करें और कुछ परिवार के लोग खुद करें। अगर प्रेम करना है, इट हैज़ टू बी रेडिकल एंड प्रैक्टिकल एंड इट हैज़ टू बी सैक्रिफिशियल। अगर हमें सचमुच में प्रेम करना है खुदा को प्रसन्न करने के लिए ना,
तो वो प्रेम सचमुच में दमदार होगा, उसमें कुछ एक्शन होगा, उसमें कुछ बलिदान होगा, उसमें कुछ त्याग होगा। हाँ भैया, हम प्रार्थना करेंगे, अजय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप सचमुच कुछ नहीं दे सकते तो आपकी प्रार्थना सचमुच लगेगी, पर अगर आप प्रार्थना के साथ साथ में 1,000-2,000 दे सकते हो और नहीं देते हो तो तुम पाखंडी हो और तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। अगर मैं कहीं ना कहीं, मैं और सपना 5,000 अजय के लिए दे सकते हैं, पर हम चर्च वालों को बोलें दे दो और हम ना दें, जबकि हम 5,000 तो दे ही सकते हैं, तो हम पाखंडी हैं और हमारा प्यार झूठा है। लेकिन अगर हमें प्रेम करना है, इट हैज़ टू बी। अब हम बोले जितेंद्र के लिए आप लोगों ने 5,000, 1,500 दिए, अब आज भैया ने नया प्रोग्राम शुरू कर दिया अजय का, अब अजय के लिए चाहिए पैसे इनको, फिर आप बोलेंगे ये कैसा चर्च है, पैसे ही मांगता रहता है। अगर आपको प्रेम करना है तो जिस प्रकार आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, आप एक्शन लेकर के प्रेम करें, बातों से प्रेम नहीं करें। कितनों को समझ में आ गया? हम जितना दे सकते हैं हम देंगे ताकि हम किसी की मदद कर सकें। अगर हम मदद नहीं कर सकते, प्रभु ने कहा तुमने छोटे से छोटों के लिए जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया, तुमने छोटों से छोटों के लिए जो कुछ किया, प्रभु ने क्या कहा, तुमने मेरे लिए किया। मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे जल पिलाया, मैं जेल में था तुम मुझे मिलने आए, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुम मेरी सुधि लेने के लिए आए। बीमारों की सुधि लेने के लिए केवल 1 किलो सेब लेके जाना ही प्रेम नहीं है। अगर वो बीमार अपना इलाज ही नहीं करवा सकता तो उसके लिए पैसा देना प्रेम है। उसको आपके एप्पल नहीं चाहिए, उसको सचमुच में आपके जेब चाहिए, ये चाहिए उसको, पैसा चाहिए। कर सकते हो प्रेम? खुदा को प्रसन्न करने वाला प्रेम करना है तो फिर वो प्रेम दुख उठा के करने वाला प्रेम होगा, त्याग। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि 3 हफ्ते से ये बात वचन से निकल के आ रही है। इससे पिछले से पिछले हफ्ते बोला प्रेम के बारे में, पिछले हफ्ते बोला, आज फिर वो बात। ये मैंने बात बनाई नहीं है, मैं सचमुच पवित्र आत्मा की तरफ से मेरे अंदर से ये प्रेम के यही उदाहरण निकल के आ रहे हैं। सच्चा प्रेम सचमुच त्याग वाला प्रेम होगा। क्योंकि तुम सचमुच समस्त मैसेडोनिया के भाइयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो, परंतु भाइयों हम तुमसे आग्रह करते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। खत्म करते हैं, 11वां पद पढ़ें, सब लोग पढ़ें 11वां पद। और जैसी आज्ञा हमने तुम्हें दी है तुम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा रखो, अपने काम से काम रखो और अपने हाथों से परिश्रम करो, जिससे बाहर वालों के साथ तुम उचित व्यवहार कर सको और तुम्हें किसी वस्तु का अभाव ना रहे। ऐसा लग रहा है कि प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए कहीं ना कहीं तो डाल दो ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखो। आई डोंट नो, पौलुस नहीं लिखता है। पौलुस जो खुद इतना उपवास करता था, पौलुस नहीं लिखता है कि खुदा को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखो। मैं उपवास के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उपवास के इतने फेवर में हूँ कि जब मैंने पिछले महीने घोषणा करी 1 महीने उपवास की, तो एक बहन ने अपने पति से कहा कि सचमुच जॉय भैया क्रेजी हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। पूरे DBF में किसी ने 1 महीने की प्रार्थना नहीं, उपवास प्रार्थना नहीं करी। पूरे संस्था में DBF में कोई नहीं करता 1 महीने की उपवास। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ अगले साल 40 दिन की करें, फंस गए, हालेलुया। मैं उपवास प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूँ, बट प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पौलुस पहली चीज को क्या कहता है, क्या चाहिए? दूसरी चीज क्या चाहिए? प्रेम। अब तीसरी वो क्या बात कर रहा है? हमने तुम्हें आज्ञा दी है कि शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा रखो। इधर देखो सारे, समझने की कोशिश करो। वो क्यों कहता है शांतिपूर्वक जीवन जियो? क्योंकि कुछ लोग, इंग्लिश में लिखा है क्वाइट लाइफ, मतलब चुप रहो। कहने का मतलब, ये मैंने पढ़ के आपको मैं बता रहा हूं, समझ के बता रहा हूं, चुगलियां करना बंद करो। एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के जीवन में अनुचित इंटरेस्ट रखना बंद करो। चीजों को जानने के लिए जो है ना इंटरेस्ट, उसको फोन लगाया, तुझे पता है उसके बारे में, तेरे को कुछ पता चला? समझ नहीं आ रहा क्या था, तुझे कुछ पता है क्या? हंसने की बात नहीं है, ये घृणा करता है परमेश्वर।
वहां उस कारण से वो कह रहा है कि तुम चुगलियां करना बंद करो, एक दूसरे के जीवन में ज्यादा रुचि लेना बंद करो, अनुचित रुचि लेना बंद करो, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो वाली शांति पूर्वक की बात हो रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वो कहता है कि हम तुम्हें आज्ञा दे चुके हैं कि तुम शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करो, अपने काम से काम रखो, अपना काम अच्छे से करो और अपने हाथों से क्या करो, परिश्रम करो। आपको पता चुगली कौन करता है? जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। यहां तक कि जवान विधवाओं को भी कहा गया है, महिलाओं से कहा गया है, जवान विधवाओं से कहा गया है कि चुगली करना बंद करो और अपने हाथों से परिश्रम करो। तो तीसरी चीज सामने देख के बताएं क्या है जो हमें करनी है अगर हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, कौन सी वो चीज है? मेहनत है। कौन सी मेहनत? अपने हाथों से जो काम करते हो, जहां जहां, कितने लोग दफ्तरों में काम करते हैं, हाथ उठाओ। हम सब अलग अलग दफ्तरों में काम करते हैं। कितने लोग कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा, बड़ा वाला भी कर सकते हैं, बट कितने लोग हैं जो बिजनेस करते हैं? नौकरी वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ। बाइबल क्या कहती है? अगर तुमको प्रसन्न करना है परमेश्वर को, अपनी नौकरी मेहनत के साथ करो। चर्च में आके ये सीखने को मिल रहा है, आत्मिक बातें नहीं लग रही। पास्टर कोई आत्मा की बात बताओ ना, कुछ 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 आत्मिक बताइए। ये तो हम करते ही हैं, बाइबल भी ये सिखा रही है, अपना काम मेहनत से करो, प्रभु आशीष देगा और प्रभु प्रसन्न होगा। हम में से बहुत लोग हैं जो सोचते हैं चर्च की सेवा उत्तम सेवा है, बाहर की सेवा बेकार है। अगर परमेश्वर आपको संसार की सेवा करना छोड़ के चर्च की सेवा के लिए बुलाता है तो ठीक है, पर क्या परमेश्वर आपको जो चर्च की सेवा करने के लिए नहीं बुलाता, अपनी अपनी नौकरी करने के लिए बुलाता है, तो क्या प्रभु आपसे ये कह रहा है कि आप उस काम को बेईमानी से करो? जो जो तुम काम करते हो, जो भी तुम्हारा दफ्तर है, तुम्हारा जो भी काम है, पेंट्री बॉय का हो, हाउसकीपिंग का हो, क्लर्क बनने का हो, अकाउंटिंग करने का हो, मार्केटिंग करने का हो, कुछ बेचने का हो, कुछ खरीदने का हो, कुछ संभालने का हो, सफाई करने का काम हो, जो भी तुम्हारा काम है, उस काम को कैसे करो, कैसे करो? बोल नहीं सकते आप? मेहनत से करो। अपना काम मेहनत से करने वाले लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। मैंने अपने जीवन में एक चीज देखी है, जिस दिन मुझे जो काम करना चाहिए, जब मैं अपने वो सारे काम कर लेता हूं, एक अद्भुत किस्म का आनंद मुझे मिलता है। और जिस दिन मैं वो काम नहीं करता जो मुझे उस दिन करना चाहिए था, मुझे बहुत अंदर से बुरा महसूस होता है। ये क्या है? ये आपकी आत्मा है जो आपके ऊपर दोष लगा रही है। तुझे वो काम आज कर देना चाहिए था, तूने क्यों किया पोस्टपोन कल पे? जो काम तुझे आज करना है, तूने क्यों नहीं किया? हम अपने काम में सुस्त हैं। अब आखिरी बात सुनो ध्यान से, सुस्त लोग परमेश्वर को पसंद नहीं हैं, और सुस्त आदमी कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, सुस्त आदमी कभी अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं करेगा। नीति वचन 4:5 ऐसा लिखा है कि सुस्त आदमी गरीब हो जाता है, सुस्त आदमी, लेकिन ऐसे लिखा है मेहनत करने वाला धनी हो जाएगा। पता वो क्यों धनी होगा? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। मेहनत करते करते जैसे भजन संहिता में प्रार्थना की गई है, हे परमेश्वर मेरे हाथों के काम को आशीष दे, तो सुस्त आदमी कुछ नहीं करता, पर मेहनत करने वाला सचमुच मेहनत करता है, प्रार्थना करता है प्रभु मेरे हाथों के काम को आशीष दे, और उसके फलस्वरूप हमारी मेहनत, प्रभु की आशीष हमें धनी बना सकती है। मेहनत करने वाले लोग बनो। हमारे पास बहुत उदाहरण है, समय नहीं है, लेकिन बहुत उदाहरण है जो मेहनत करने वाले लोग कहां से कहां पहुंच गए। क्या आप मेहनत करने वाले लोग हो? क्या आप खुदा को प्रसन्न करना चाहते हो, प्रभु को खुश करना चाहते हो? तो बाइबल कहती है सुस्त मत बनो, अपना काम अच्छे से करो। बाइबल तो ये भी कहती है जो काम नहीं करता वो खाना ना खाए, जो काम नहीं करता वो, बाइबल बड़ी सख्त है वैसे,
प्रभु को प्रसन्न करना हमारी बुलाहट है। अगर हम आदर्श कलीसिया के मेंबर हैं तो भी आदर्श कलीसिया की मेंबरशिप हमारे काम नहीं आएगी। आदर्श कलीसिया का एक एक आदमी, एक एक औरत प्रभु की आज्ञा को मानने वाले हैं कि नहीं, वहाँ से परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रसन्न कैसे करें? प्रसन्न तीन चीज़ों से किया जाता है। पौलुस तीन चीज़ें सिखाता है। पहली चीज़ क्या सिखाता है? पवित्रता, शरीर के साथ गलत काम नहीं करना। दूसरा, प्रेम। प्रेम बातों से ही केवल नहीं करना, कर्मों से प्यार करना है। तीसरा, मेहनत। चर्च वाली सेवा नहीं, लेकिन बाहर वाली सेवा, बाहर वाला काम, दफ्तरों में करने वाला काम मेहनत से करना है। और अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? लिखा है, बाहर के लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, जो काम नहीं करता, मेरे लिए तो विशेष रूप से ये बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे लिए ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, जो काम नहीं करता ना, उसकी मुझे इज्जत करना बहुत मुश्किल है। वो कुछ तो कर सकता है, वो 500 या 300 400 की दिहाड़ी तो कुछ तो वो कर सकता है, पर जो काम नहीं करता वो इज्जत का पात्र है ही नहीं, इज्जत के लायक है ही नहीं। अगले, यही पत्री जब वो दोबारा लिखेगा, दूसरी पत्री जब वो लिखेगा इस कलीसिया को, हम देखते हैं कुछ ही पन्नों के, अभी समय नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे लिखता है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तुमको जो चाहिए ना, प्रभु तुम्हें दे देगा। पर प्रभु तुम्हें बैठे बैठे मुफ्त में दे दे, उसने मुफ्त में उद्धार दे दिया, शुक्र मनाओ। अब जीवन की चीज़ें तो मेहनत से कमाओ, लेकिन अगर आप मेहनत करने वाले लोग होंगे तो आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। परमेश्वर आपके, क्योंकि आपकी, ध्यान रखना, मेहनत करने वालों को प्रभु हमेशा बरकत देता है, हमेशा बरकत देता है। कभी भी तुम्हारे हाथों के कामों को वो ऐसे नहीं छोड़ेगा, आप फल खाओगे अपनी मेहनत का। इसलिए मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, कभी भी दफ्तर में लेट ना जाओ, बहाने मार मार के जल्दी ना निकलो वहाँ से। वहाँ बैठ करके 8 घंटे की ड्यूटी में 4 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटा भी फेसबुक मत करो। अच्छे से अपना काम करो, मेहनत से अपना काम करो, प्रभु आपको बरकत देगा। उससे क्या होगा? बाहर वाले तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हें किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं होगी। और आगे अगली पत्री में वो कहता है कि तुम औरों को भी देने के योग्य हो जाओगे। अब एक बात बताओ, आप में से वो लोग जो सुस्त हैं, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, सब मत बोलना, कि कोई मत बोलना भैया ने मेरी तरफ इशारा करके बोला, मैं इतना डिटेल नहीं जानता हूँ किसी के बारे में, लेकिन एक बात बताओ, आप लोग इस समय जो सुस्त हैं, आप में से जो कोई भी सुस्त है, जो अच्छे से काम नहीं करता, जो काम ही नहीं कर रहा, अभी अजय के इलाज के लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे, आप दे पाओगे? पता चले हमें आपके लिए इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप सुस्ती इतने कुछ करते ही नहीं हो। और दूसरा एक विचार क्या है हमारे समाज में खास तौर पे, कि भाइयों को लगता है मेरी पत्नी काम नहीं करेगी। बहुत से आदमियों को लगता है मेरी पत्नी काम नहीं करेगी। अगर हाथ पैर हैं तो काम कर सकते हो, 60 साल के हो तो भी काम कर सकते हो कुछ ना कुछ। इसलिए महिलाएं, मेहनत करो, आप नौकरी पकड़ो, चाहे 4 घंटे की नौकरी हो, चाहे कुछ ना कुछ काम हो, काम करो। काम करना बहुत खूबसूरत चीज़ है, परमेश्वर ने काम की स्थापना की, काम के ऊपर प्रभु का हाथ है। फिर आप मेहनत करोगे, आप कुछ कमाओगे, उस कमाई पर प्रभु की बरकत होगी। बाइबल में लिखा है तुम्हें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। अब आप 10,000 तनख्वाह कमा के प्रभु से मर्सिडीज मांगो, वो तो डेफिनेटली बेवकूफ़ी है। प्रभु आपके वचन में लिखा है कभी कोई वस्तु की कमी नहीं होगी। प्रभु अकल सिखाने के लिए ना, वो 10,000 की नौकरी भी पहले छीनेगा, बिल्कुल कंगाली का अनुभव देगा आपको, ताकि आप बोलो प्रभु मुझे, जैसे दाऊद भजन संहिता में भजनकार जैसे प्रार्थना करता है, खुदा मुझे इतना गरीब मत बना देना कि मुझे चोरी करनी पड़े, और खुदा मुझे इतना ज़्यादा धन मत दे देना कि मैं तुझे भूल जाऊं, बस मुझे रोज़ की रोटी दे। ख़त्म करते हैं, बोलने को बहुत कुछ है, बट आई थिंक आप समझ गए हो। पौलुस एक आदर्श कलीसिया को पत्री लिखता है, उनसे कहता है कि तुम परमेश्वर को खुश करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जियो। वो जीवन कैसा जीवन है? क्या करना पड़ेगा खुदा को प्रसन्न करने के लिए? पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी? पवित्रता, शारीरिक पवित्रता। समझ में आ गया?
गीत गाने वाली पवित्रता नहीं, बाइबल पढ़ने वाली पवित्रता नहीं, उपवास करने वाली पवित्रता नहीं, वो अलग पवित्रता है। ये कौन सी पवित्रता कह रहा है? शरीर के साथ पाप मत करो, वो वाली पवित्रता। दूसरी चीज क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए नहीं, प्रेम देना है। और प्रेम कैसे देंगे? हाँ जी, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु चंगाई देगा, प्रभु चंगाई देगा, वो वाला प्रेम। कैसा कैसा बोलो बोलो, कैसा प्रेम? कर्म हर बार नहीं देने पैसे, लोग मेरे ऐसे तो मदद ही मांगो, प्रेम ही मांगता रहेगा, फिर पैसे आ रहे हैं, आने दो। समझ कर, देख कर। हमारी चर्च में एक बहन है, वो दूसरों की प्रेम कैसे दिखाती दूसरों को? सरकारी हॉस्पिटल में किसी गरीब को जाना है, उसको अकल नहीं है कैसे जाना, समझ नहीं आता, तो सुबह सुबह 6 बजे वो बहन उठ के लाइन में लग के उनके लिए सब कुछ काम करवाती है। ये प्रेम है। कभी कभी लोगों को आपका पैसा नहीं, आपका धन चाहिए, आपका पैसा नहीं, आपका समय चाहिए, आपका समय चाहिए। कभी कभी लोगों को आपकी नॉलेज चाहिए। आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज है, किसी और के पास नहीं है, उसको चाहिए, आप उसको सिखाएं अपने पास बैठ के, वो काम उसके लिए आप कर सकते हैं। आपकी नॉलेज आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं, अपना समय बांट सकते हैं, पर ये तो करना फिर भी आसान है, ये चीज़ बांटना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैंने इस पे ज़्यादा जोर दिया आज, ताकि हम पैसों से प्रेम करने वाले नहीं, लोगों से प्रेम करने वाले लोग बने। और तीसरी चीज़ क्या चाहिए? फटाफट बोल दो। पहली चीज़, पहली चीज़